लास्ट क्लास तक हमने ईएम वेव कंप्लीट कर लिया था। अब फर्स्ट बुक में सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो काफी दिनों से छूट रहा है, अर्थ मैग्नेटिज्म। इसे वाइंड अप कर देते हैं। देखिए, अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना, पार्ट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म। ये जियो मैग्नेटिज्म का पार्ट है, पास वाले है, ये कुछ पोर्शन है इसके भी। ये जियो मैग्नेटिज्म का है। जियो मैग्नेटिज्म बेसिकली फिजिक्स ना होकर ये जियोग्राफी का ज्यादा है, तो मैं शायद इसमें बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपको जो भी क्वेश्चंस करने होते हैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से करने हैं। जियो मैग्नेटिज्म ढंग से समझने के लिए पूरी ज्योग्राफी करो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या चीजें होती है, क्योंकि इतनी डिटेल सिलेबस में नहीं है तो इट्स यूजलेस कितना टाइम दिया। सो देखो, इसमें आपको पढ़ना क्या, अगर मैं ये अर्थ ले रहा हूं, अर्थ को ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान के चलते हैं, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ। इसे आप कहते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ है, और इसे आप कहते हैं जियोग्राफिक साउथ। मतलब जो आप यूजुअल आपके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो ये नॉर्थ और साउथ पोल। अगर आप एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लोगे, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, कम्स एट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसका सिर्फ मतलब इतना है कि मैंने एक मैग्नेट ली और मैंने इसे रोटेट करके छोड़ दिया। जब भी ये मैग्नेट रेस्ट में आएगी, ये कुछ ऐसे रेस्ट में आएगी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो ये मैग्नेट है, जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगा, और मैग्नेट का साउथ जियोग्राफिक साउथ की तरफ। आपको ऐसा लगेगा कि इस मैग्नेट के नॉर्थ को जियोग्राफिक नॉर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट के साउथ को जियोग्राफिक साउथ अपनी तरफ अट्रैक्ट। सो ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होना है, दिस इज एन एविडेंस, ये एविडेंस है कि अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेट। एक चीज और है, मतलब एक और एविडेंस मिलता है, अगर आप एक आयरन लो और उसको अर्थ के अंदर आप बरी कर दो, एन आयरन पीस बरीड इन अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, गेट मैग्नेटाइज्ड वीकली। तो ये कुछ ऐसा, मतलब ये बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर आपने देखा हो कुछ कंपसेस होते हैं, कंपस नहीं, और कॉमन देखते हैं भाई, सीजर होती है अक्सर टेलर्स के पास, वो सीजर मैग्नेटाइज्ड होती है, उस सीजर में हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड होती है कि उस सीजर को वो किसी निडल के पास लेकर आएगा तो निडल उसे अट्रैक्ट करेगी। तो मैग्नेटाइज करने के लिए सीजर को क्या करते हैं, सीजर लेते हैं और उसे मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में रखते हैं बहुत टाइम के लिए, या रब करते रहते हैं मैग्नेट के साथ, रब करने से वो सीजर वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब यहाँ पर आयरन के पीस को या उसी सीजर को, हाँ, स्क्रू ड्राइवर के साथ भी करते हैं, बिल्कुल जाएगा,
उस आयरन के पीस को आपने अर्थ में बरी कर दिया, डाल दिया बहुत टाइम के लिए। अब वो अर्थ, वो आयरन का पीस भी वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। तो ये भी यही शो कर रहा है कि आयरन अर्थ के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन के पीस को मैग्नेटाइज कर। तो ये सब एविडेंस है कि अर्थ में कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। आपके पास जस्ट इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, दैट्स इट। हम बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, इतना लिख लीजिए, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। मैं लिख लिया इतना तो बताइए। तो आपको अर्थ की इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। अनीता टेलर्स के काम आती है, निडल खो जाए तो वो उसको स्टिक कर लेगी, ढूंढना आसान होता है उसके लिए। स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर देते हैं, स्क्रू लगाना आसान हो जाता है। अब देखिए ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है? कई थ्योरीज हैं, रिगार्डिंग कॉज और ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेट। मैं उन थ्योरीज को नहीं लूंगा जिनका आप कोई सेंस ही नहीं बनता। जैसे एक पहले कहा जाता था कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबी हुई है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक कई किलोमीटर लंबी एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट दबी हुई है, सारी कहानी उसी के साथ। आप जानते हैं वो पॉसिबल नहीं है, अर्थ की कोर सॉलिड नहीं है, अर्थ की कोर मोल्टन है। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अर्थ की कोर के अंदर कोई मैग्नेट रहे, कोई सॉलिड पीस रखा हो। तो एक थ्योरी ये है कि अर्थ का जो भी कोर है वो कोर मोल्टन है, उसके अंदर लिक्विड स्टेट में आयरन है, निकल है, और जब अर्थ रोटेट करता है तो वो मोल्टन कोर भी रोटेट करता है, और उस कोर के रोटेट करने की वजह से करंट आ जाएगा। ये देखो, अगर मैं यहां अर्थ बना दूं और इस अर्थ को रोटेट कराते हैं इसके एक्सिस को, ऐसे करके अर्थ रोटेट। अब यहां जो भी मोल्टन कोर है, ये जब अर्थ रोटेट करेगा तो ये कोर भी तो रोटेट करेगी। मतलब ऐसा हो जाएगा कि इसके अंदर अगर आयंस हैं, मान लो आयरन है, निकल के आयंस हैं, तो वो आयंस मूव कर रहे हैं। आयंस के मूव करने का मतलब है करंट जा रहा है, करंट जाएगा, वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो एक पॉसिबल कॉज ये हो सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अर्थ कोर ऑफ अर्थ इज मोल्टन, इट हैव आयरन एंड निकल इन लिक्विड फॉर्म।
these ions circulate in Earth's core a constitute current. ये बहुत थ्योरेटिकल है आपकी कैलकुलेशन के काम का, तो बस एक ही चीज आएगी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड हेंस अर्थ मैग्नेटिक. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि सन से कुछ रेज आती है जिन्हें आप कॉस्मिक रेज कहते हैं. कॉस्मिक रेज क्या करती है, अर्थ का एक्सिस है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उन गैसेस को आयनाइज कर देती है. अब गैसेस अगर एक बार आयनाइज हो गई मींस चार्ज पार्टिकल्स हो गई, गैसेस चार्ज हो गई, अर्थ रोटेट करता है तो उस रोटेशन से वो चार्ज पार्टिकल रोटेट करते हैं. उन चार्ज पार्टिकल के रोटेट करने की वजह से भी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस्मिक रेज from sun ionize atmospheric gases due to rotation of earth current set up which may be a possible cause of Earth's magnetism. So, ये भी एक possible cause हो सकता है Earth's magnetism, but exactly क्या cause है that's not known. इतना लिखिए फिर देखते हैं कुछ डेफिनेशंस और है. सब डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, लिखिए. इतना हो जाए तो बताइए मुझे. नहीं, सवाल है यार, एक्चुअल कॉज नहीं पता. इन दोनों में से कोई एक कॉज होगा बट एक्चुअल कॉज नहीं पता कि क्या है. हाँ, तोहित रात के टाइम पर नहीं होगी बट कॉस्मिक रेज ने जिन पार्टिकल्स को आयनाइज कर दिया वो आयनाइज रहेंगे. कुछ हो सकता है न्यूट्रलाइज हो जाए बट वो पार्टिकल्स तो आयनाइज रहेंगे ना. तो चार्ज पार्टिकल्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा कि जब कॉस्मिक रे आई पार्टिकल आयनाइज्ड हुआ और उसके बाद वो डी आयनाइज्ड हो गया. वो तो रहेगा आयनाइज्ड, उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. चलो भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे. हाँ सर, ना इवन मून का भी है. मून की अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो मॉल्टन वाली थ्योरी मून में यूज हो जाती है. आई मीन वो जो आयरन और निकल निकल रहा है ना, वो कोर से कोई नहीं निकाल रहा. अर्थ की कोर से कोई नहीं निकाल पा रहा. जो भी आप निकाल रहे हैं ऊपर की लेयर से निकाल रहे हैं, क्रस्ट से निकाल रहे हैं, कोर से नहीं. वहां तो वैसे ही
हर प्लैनेट नहीं सुनाऊ, जिन प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हो सकती है। अब इन दोनों थ्योरीज में से ना कोई एक ऐसी एब्सोल्यूट थ्योरी नहीं है जो मैं आपसे कह दूं कि यही एक्चुअल थ्योरी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। अब देखिए कुछ डेफिनेशंस हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहां ये अर्थ This is geographic north. This is geographic south. अब geographic north के पास आपका magnetic north है, यहां गए exactly coincide नहीं करता, ये magnetic south। So, देखो पहली चीज ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ से जो एक्सिस पास होगा इस एक्सिस को कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, यहां से जो एक्सिस पास हो रहा है उस एक्सिस को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस को आप मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। इन दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल है दैट्स अराउंड 20 डिग्री। अब जिसे आप मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ बेसिकली इसका बिहेवियर साउथ पोल की तरह होता है। तो अगर मैं आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊं तो फील्ड लाइंस के साथ होगा ये कि साउथ पोल से निकलेंगी नॉर्थ की तरफ जाएंगी। So, जिसे मैं मैग्नेटिक नॉर्थ कह रहा हूं दैट इज एक्चुअली अ साउथ पोल। जिसे मैं साउथ पोल कह रहा हूं वो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक नॉर्थ है जिसका बिहेवियर साउथ की तरह होता है। इसको नॉर्थ कहने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि जहां अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है वही मैग्नेटिक नॉर्थ भी कह देते हैं, ताकि वो कई टर्मिनोलॉजी ना यूज करनी पड़े। बस याद रखिएगा ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इसका एक्चुअल बिहेवियर इज लाइक मैग्नेटिक साउथ। तो एक ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया, एक मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। अब ये मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक प्लेन ले सकते हैं, एक वर्टिकल प्लेन ले लीजिए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, इसे इक्वेटर कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब ये वही चीजें जो आप ज्योग्राफी में करते हैं। ज्योग्राफी में आपने पोल्स पढ़े थे, ज्योग्राफिक एक्सिस पढ़ा होगा, ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ा होगा जो ईस्ट वेस्ट से पास होता है, ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। सो मैग्नेटिक इक्वेटर के बाद अब अगर आपने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ली, ये मैं यहां पर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ड्रॉ कर रहा, यहां मैंने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ड्रॉ कर दिया। अगर मान लीजिए ये एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है और ऐसे अलाइन होगी, ये इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से जो भी एक्सिस पास होगा उस एक्सिस को आप मैग्नेटिक
मेरिडियन क्या, ये दो डेफिनेशन जरा काम की है। मैग्नेटिक मेरिडियन, वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis of a freely suspended body. Freely suspended magnet. तो तुम्हारे पास एक freely suspended magnet थी, उस freely suspended magnet से तुमने एक vertical pole पाल, freely suspended magnet. तो ये magnet है, यहां से एक vertical plane pass कर दिया इस freely suspended magnet से, उस plane को आप magnetic meridian पे, means ये अगर आपकी magnet है, ऐसे करकर आपने एक plane pass करा दिया. Perpendicular to the plane of the board, like YZ plane समझ लो इसे. इसे आप कहोगे magnetic meridian. इसी तरह से ये देखो geographic north और geographic south है. इस geographic और north और geographic south से भी pass होता हुआ आप एक plane ले लो. इस plane को आप geographic meridian कहें. Geographic meridian, vertical plane passing through geographic north-south direction. ये सीधी सीधी डेफिनेशन से कुछ इतना लिखिए. इतना लिख लीजिए तो बताइए इसको रब करते हैं. मैं रख कर दूं से चलिए. देखिए इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक. यही वजह थी कि मैं इस चैप्टर को इतना टाल रहा था. यूजुअली मैं ये सारी चीजें बिल्कुल आखिर में कराता हूँ, सिलेबस हो जाता है तब एक लास्ट क्लास रखकर ये सब थ्योरेटिकल पोर्शंस करता हूँ. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, देखिए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये थ्री पैरामीटर्स हैं. दैट कैन कंप्लीटली डिफाइन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट.
वो पैरामीटर्स है जो किसी एक पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैप। भाई जैसे अगर जियोग्राफी में मैं आपसे कहूं अर्थ के किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, बता सकते हो थोड़ी बहुत जियोग्राफी याद है, कौन से दिस दो एंगल से आप अर्थ की किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हो, कितने एंगल चाहिए होते हैं? एक सनाउल का आंसर आया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब अगर अर्थ की सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जैक्ट डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको तीन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें दो एंगल्स हैं, में से दो एंगल्स है, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरह, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये दो एंगल्स होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की तरह और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ जो पहला पैरामीटर आता है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो फर्स्ट पैरामीटर आता है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का क्या मतलब है, पहले बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझ लो है क्या चीज, फिर इसकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन देखिए। ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है। अच्छा इतना आपको मैंने, इतनी डेफिनेशंस आप लोगों ने कर ली, मुझे बताओ कि जो कंपास नीडल यूज करते हैं डायरेक्शंस देखने के लिए ना, कंपास नीडल यही तो होती है, नॉर्थ साउथ होता है उसमें लिखा हुआ, वो कंपास नीडल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के को डिटेक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दिखाएगी। कंपास नीडल क्या एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ होगी या कुछ टिल्टेड होगी? कुछ टिल्टेड होगी। अब वो जो टिल्टेड है ना वो बेसिकली एरर है कि मान लीजिए आपने एक कंपास नीडल ली ये आपकी कंपास नीडल है ये कंपास नीडल का मैग्नेटिक नॉर्थ है ये कंपास नीडल का मैग्नेटिक साउथ है। तो ये कंपास नीडल आपको एग्जैक्टली नॉर्थ नहीं दे रही कुछ एरर आएगा इस एरर को बेसिकली डिक्लिनेशन कहते हैं कि मान लीजिए आपका नॉर्थ तो यहां है कंपास नीडल आपको 5 डिग्री का एरर दिखा रही है आपको कह रही है यहां नॉर्थ है तो जो 5 डिग्री का एरर है दैट एरर इज बेसिकली डिक्लिनेशन। अगर इसी चीज को मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की टर्म्स में आपको दिखाऊं मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन की टर्म्स में देखिए ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से जो प्लेन पास होगा उस प्लेन को आप कहते हैं दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से जो प्लेन पास होगा उसे आप कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मान लीजिए मैंने कोई एक प्लेन ले लिया ऐसे कुछ कह दीजिए जिसको कह दीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है ये वो प्लेन है जो मैग्नेट से पास हो रहा है। एक प्लेन लेते हैं जो ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ से पास होगा मुझे बताओ कि दोनों प्लेन्स कोइंसाइड करेंगे या कुछ एंगल होगा इनके बीच में द रेस्ट इज ज्योमेट्री अब सिर्फ ज्योमेट्री बची हुई है कुछ एंगल इन दोनों के बीच में कुछ एंगल जाएगा
तो ये जो है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉट मैग्नेटिक, ये है हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज अल्फा। सिंपल डेफिनेशन ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन। तो अगर इसको डिफाइन करें, इट्स एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को आप कहोगे दैट्स मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और इसको ऐसे भी याद रख लेना, this is angle between true geographic north and north shown by compass needle। तो इसे आप जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन लिखेंगे। इतना लिखिए, क्वेश्चंस देगी इस पे वन मार्कर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जी सवाल याद देखिए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होगा वो आपका ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ जो होता है और जो नॉर्थ आपकी कंपास निडल शो करेगी, उन दोनों नॉर्थ के बीच में जो एंगल अल्फा। कंपास निडल कभी भी एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ नहीं जाती, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ टिल्टेड रहती है। जितने एंगल पर भी टिल्टेड होगी उसे आप मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहेंगे। अब जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ से आप एक प्लेन पास कर सकते हैं, इस प्लेन को आपने कहा जियोग्राफिक मेरिडियन। ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है इससे पास होता हुआ आपने एक प्लेन ले लिया जिसे आपने कहा मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों मेरिडियन के बीच में एक एंगल ले लिया जिस एंगल को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, यही आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। जी सवाल है अब हुआ, चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चंस देखिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पर। क्या रेवर बैक करना है? लिखिए, जब हो जाए तो बताइएगा।
देखिए क्वेश्चन समझिए, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ है, ज्योग्राफिक नॉर्थ के परपेंडिकुलर ज्योग्राफिक वेस्ट है, और ये आपका ज्योग्राफिक ईस्ट। अब वो कह रहा है डिक्लिनेशन है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब ये कि आपकी जो मैग्नेट है ना, मैग्नेटिक निडल, वो मैग्नेटिक निडल ऐसे पॉइंट कर रही है, यहां आपकी मैग्नेटिक निडल जा रही है, ये आपकी मैग्नेटिक निडल का डायरेक्शन 15 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ये जियोग्राफिक नॉर्थ से कुछ 15 डिग्री पर आपकी मैग्नेटिक निडल पॉइंट करेगी, तो ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपका मैग्नेटिक साउथ है, और ये भी जो एंगल है, ये एंगल भी आपका 15 डिग्री, तो 15 डिग्री पर ये आपकी मैग्नेटिक निडल है। तो आपसे कहता है ईस्ट की तरफ जाना है, ऑब्वियसली अब मैग्नेटिक निडल के अकॉर्डिंग अगर आप मैग्नेटिक निडल का ईस्ट लोगे तो मैग्नेटिक निडल का ईस्ट और वेस्ट तो ये हो जाएगा, दिस इज ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक निडल, दिस इज वेस्ट ऑफ मैग्नेट। वो आपसे कहता है कि आपको एक्चुअल ईस्ट में जाना है, तो इस डायरेक्शन से कितना मूव करना होगा, कितने एंगल पर शिप को घुमाना होगा, क्या लगता है आप लोगों को? सिंपल ज्योमेट्री है, देख के बता दूं मुझे कितने एंगल पर शिप को घुमाना होगा कि अगर ईस्ट के अलोंग जाइए। इतना ही तो घुमाओगे शिप को, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 15, 105 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं शिप शुड बी स्टीयर्ड एट 105 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ कंपास। चलिए इतना लिख लीजिए, ऐसे डिक्लिनेशन आप यूज करेंगे। इसे ड्रॉ कर लीजिए प्रॉपरली, फिर नेक्स्ट आप नेक्स्ट देखिए। जरा कह दूं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप। और इसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं। एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन,
देखिए इसका क्या मतलब है, इज द एंगल, पहले समझ लो इसको, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। ये था जियोग्राफिक मेरिडियन, और ये है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो जैसे अर्थ में आप मार्क करते हैं ना, इक्वेटर मार्क करते हैं आप, पोल्स मार्क करते हैं, ऐसी यहां पर भी इक्वेटर और पोल मार्क कर लिया जाता है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, मींस इसके अलोंग पोल्स होंगे आपके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मींस यहां पर आपका इक्वेटर होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर, ये वर्टिकल है मैग्नेट की रिस्पेक्ट। तो अर्थ की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो कहीं मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी, ये मान लीजिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ। सो ये जो बी है, दिस इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेट। किसी भी पॉइंट पर अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ ये बी है। अब ये बी हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल को आप डेल्टा कह दोगे, यही आपका डिक्लिनेशन हो जाएगा। ये जो भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा उस एंगल को आप डेल्टा कहेंगे, ये डेल्टा आपका इंक्लिनेशन है या ये डेल्टा आपका डिप, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंगल विच टोटल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड makes with horizontal line in magnetic meridian। अगर आपको latitude याद हो तो ये काम कुछ latitude की तरह हो रहा है, कि अगर ये अर्थ है, geography जब आप पढ़ते हैं, geographic north geographic south, ये आप कहते हैं ये इक्वेटर पास हो रहा है, कहीं भी पॉइंट ले लिया आपने, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो आप भी कहते हो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ, ये तो पुल करता है ना, वेट कहाँ करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इक्वेटर और इस लाइन के बीच में जो एंगल है इसे आप लैटिट्यूड कहते हो, ये एंगल लैटिट्यूड। तो इसी तरह से आपने यहां पर भाई यहां पर जो प्लेन था वो जियोग्राफिक नॉर्थ जियोग्राफिक साउथ के लिए था, यहां आपने मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया। अब यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड थी, यहां आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड ले ली। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल को आप कह देते हो दिस इज योर्स डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जैसे आप डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। चलिए इतना लिखिए,
फायदा इसको ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को जियोग्राफी से समझिए। जियोग्राफी में आपका जो इक्वेटर होता है वो इक्वेटर को आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जहां ईस्ट और वेस्ट होता है। जो वर्टिकल होता है, जहां नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ होता है, उसे आप वर्टिकल डायरेक्शन कहते हैं। तो यहां ये वर्टिकल, दिस इज दैट वर्टिकल। तो यहां आपका मैग्नेटिक ईस्ट मैग्नेटिक वेस्ट होगा और यहां आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होगा। इसको रब कर दूं? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन। चलिए अब इसी डायग्राम पर आखिरी एलिमेंट भी कर लेते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। बस ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऐसा है जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ है ना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है उसे आपने डिप कह दिया। अब इस टोटल स्ट्रेंथ का यहां पर कंपोनेंट ले लो भाई, ये कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस डेल्टा। वर्टिकल के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट्स बी साइन डेल्टा। इस बी कॉस डेल्टा को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, बी साइन डेल्टा को आप वर्टिकल कॉम्पोनेंट। B cos delta is horizontal component, B sin delta is vertical component. तो ये जो H होगा, ये H है horizontal component. ये जो V है horizontal component of earth magnet. सीधा सीधा कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, तो डेल्टा तो डिप है जो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो वी को आपने लिखा हुआ है बी साइन डेल्टा, एच को आपने लिखा हुआ है बी कॉस डेल्टा। एक तो यहां से आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, दूसरा डिवाइड कर दीजिए वन और टू। जब आप डिवाइड कर देंगे वन और टू को तो v बाय h हो जाएगा विच इज b साइन डेल्टा ओवर b कॉस डेल्टा, गेट्स कैंसिल्ड आउट। तो v बाय h आ गया विच इज 10 डेल्टा। डेल्टा आ गया tan इनवर्स बीटा। आप यहां से अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। अब यहां से अगर टोटल बी चाहिए तो आप ऐसे स्क्वायरिंग एंड एडिंग वन इन टू, दोनों को ऐड कर मिल जाएगा वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पता है तो आप टोटल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं पोल्स और इक्वेटर पर कैसे बिहेव करेगा। मान डेल्टा ही है यार,
चलो भाई सब लिख चुके हैं इसको, मैं रब कर रहा हूँ। अब इन चीजों को आपसे इक्वेटर और पोल्स पे पूछ लेता है, कहता है इक्वेटर पे बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी। इक्वेटर मींस हॉरिजॉन्टल, डेल्टा जीरो हो जाएगा। अच्छा दानिश लिखो लिखो लिखो, देखिए इक्वेटर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, जहां डेल्टा जीरो हो जाएगा एच बी के इक्वल होगा वी जीरो हो जाएगा। अगर आप पोल्स पर आ जाते हो, पोल्स पर डेल्टा 90 डिग्री होगा, एच बी कॉस 90 जीरो हो जाएगा, वर्टिकल बी साइन 90 भी हो जाएगा। तो ये वन मार्कर क्वेश्चंस में इक्वेटर ऑफ पोल्स पर आपसे पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, जरा सॉल्व करके देखिएगा इसे। द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट of Earth's magnetic field at a place where angle of dip is 60 degree is 0.4 into 10 raised to the power minus 4 Tesla. कैलकुलेट वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर्स बताइए। ओके बजाज, और किसी का आंसर?
देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट्स 0.4 इनटू 10 रेज पर माइनस 5 टेस्ला. एंगल ऑफ डिप जो होगा दैट 60 डिग्री. वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, देखो आसान काम है. आपको पता है वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज टैन डेल्टा. तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं पता, हॉरिजॉन्टल इज 0.4 इनटू 10 रेज पर माइनस 4 व्हिच इज इक्वल टू टैन 60. सो वर्टिकल बाय 0.4 इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टैन 60 इज √3. सो इट्स 0.4 इनटू √3 into 10 raised to the power minus 4. नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप चाहो तो इसे यूज कर लीजिए कि भाई हॉरिजॉन्टल होता है, इट्स बी कॉस डेल्टा. हॉरिजॉन्टल है 0.4 into 10 raised for minus 4. बी आप नहीं जानते, कॉस डेल्टा इज कॉस 60. 0.4 into 10 raised for minus 4 cos 60 is half. So B आ गया 0.8 into 10 raised to the power minus 4. अब इसे करने के कई तरीके हैं. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप वर्टिकल कॉम्पोनेंट से कैलकुलेट कर लो, या आप रूट ओवर वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से कैलकुलेट कर लीजिए. वो आपकी चॉइस, विल गेट द सेम आंसर. लिख लीजिए इतना, ज्यादातर लोगों का सही था. इतना लिख लिया, बताइए सर अब करते हैं. सब लिख चुके हैं. सवाल यार, ये तो मैंने रिजल्टेंट के लिए H यूज किया, लेकिन आप V भी तो यूज कर सकती है ना. V होता है B साइन डेल्टा, और यही तो B है, रिजल्टेंट फील्ड, नेट फील्ड. आप यहां से B निकाल सकती हैं अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट पता है. या आप चाहें तो B के लिए ऐसे भी कर सकती हैं, V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, दोनों चीजें. चलिए भाई इसको मैं रब करूं. अच्छा, इसके बाद बस एक छोटा सा स्टेटमेंट है न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है. अर्थ मैग्नेटिज्म में न्यूट्रल पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है, अगर आप एक बार मैग्नेट ले लो, उस बार मैग्नेट के पास कुछ पॉइंट्स होंगे जहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी. सो पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट is equal and opposite horizontal component of Earth's magnetic field.
नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसे आप न्यूट्रल पॉइंट कहें, इसे ये न्यूट्रल पॉइंट, इसे लिखिए। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे कनेक्ट होता है। बेसिकली इमोशनल ईएमएफ के कुछ क्वेश्चंस में आप अर्थ मैग्नेटिज्म यूज कर सकते हैं। कितना लिखो, कर दूं अब देखिए, मोशनल ईएमएफ जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था उसे अर्थ मैग्नेटिज्म से कैसे कनेक्ट करते, इमोशनल ईएमएफ में आपने पढ़ा था जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज बीएलवी, और यहां कंडीशन थी बीएलवी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। सो अब अर्थ मैग्नेटिज्म को जब आप यहां यूज करेंगे तो क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मान लीजिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, मैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट ले रहा हूं, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। अभी आपको डिसाइड करना है कि कब कौन सा कॉम्पोनेंट यूज करेंगे। दिस एच इज हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, and this is vertical component of earth's magnet. Vertical component of earth's magnet. एक प्लेन है आपके पास, वो प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है, मुझे बताइएगा कौन सा कंपोनेंट आप यूज करेंगे। ये प्लेन की वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये प्लेन है, और ये एल दिया हुआ है विंग स्पैन, विंग्स की जो टोटल लेंथ है वो एल गिवन है। मुझे बताओ कि जब मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ लूंगा इस प्लेन के लिए जो ईस्ट वर्ड्स जा रहा है तो कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। जी बच्चे, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, वेलोसिटी जिस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगी, हॉरिजॉन्टल के तो पैरेलल है, वर्टिकल के परपेंडिकुलर, तो आप यहां यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। क्यों वजह, ई जीरो क्यों आएगा, अब वजह जीरो क्यों आएगा,
तो इसमें जीरो थोड़ी ना आता है, जब आप E is equal to BLV use करते हैं तो कंडीशन तो यही होती है B, L और V should be mutually perpendicular, तभी induced EMF आएगा। तो यहाँ देखो length, magnetic field और velocity सब एक दूसरे के mutually perpendicular है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो लेंथ है ना ये y एक्सिस के अलोंग नहीं है यार, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा है z एक्सिस। समझो आई मीन विंग स्पैन, टोटल जो विंग्स की लेंथ होती है ना प्लेन की, ये वो विंग स्पैन, विंग स्पैन लेंथ ऑफ टोटल विंग्स, दोनों विंग्स Z के अलोंग परपेंडिकुलर है सब एक दूसरे के बीच। अब अगर इसी तरह से ऐसी मैं आपको प्रॉब्लम दूं, लेकिन ये प्लेन ऐसे जा रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट, horizontal component, this is vertical component, plane ऐसे जा रहा है आपका। अब बताइए induced EMF में आप कौन सा component use करेंगे? तो earth magnetism आपके पास जो questions आते हैं वो ऐसे आते हैं, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कनेक्ट करके क्वेश्चंस आते हैं, इतना लिखिए। चलिए क्वेश्चंस लेंगे। डिप की बात कर रही है अलीजा, V बाय H, V और H की वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए आपको 10 डेल्टा मिल जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि V और H की वैल्यूज कितनी है। क्वेश्चन देखिए, एन एयरक्राफ्ट विद विंग स्पैन ऑफ 40 मीटर फ्लाइज विद स्पीड ऑफ 1080 किलोमीटर पर आवर। इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन
where vertical component of Earth's magnetic field is 1.75 into 10⁻⁵. Angle of dip is 60 degrees. Find EMF that develop between tip of the wings. तो देखिए इसमें डायग्राम देगा नहीं वो आपको, मैं आपको जस्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, उसे इतना मैंने अभी डिस्कस किया, उसके बाद तो आपको नहीं आनी चाहिए इसमें कोई परेशानी। ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, प्लेन ईस्ट के अलोंग जा रहा है। आपको डिसाइड करना है वर्टिकल कॉम्पोनेंट आप यूज करेंगे या हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आप यूज करेंगे, ये डिसीजन आपका होगा, क्योंकि इतना डेटा दिया है कि आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों यूज कर सकते हैं। इतना तो है कि आप हॉरिजॉन्टल भी कैलकुलेट कर लेंगे। भाई किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ी है आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? वर्टिकल बस ख्याल रखिएगा, अगर वो कहता है ईस्ट की जगह प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत पड़ जाती, डेल्टा आप यूज कर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते। सो इट्स 1.75 इंटू 10⁻⁵ into length L which is 40 meter into V which is 1080 into 1000 divided by 3600 meter per second में convert कर दिया, 0.21 आ जाएगा।
चलिए इतना हो गया, रब कर दूं से। क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अर्शद, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब वो आपसे कहता है कि एक प्लेन है जो ईस्ट के अलोंग जा रहा है, तो ये ईस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो वेलोसिटी है ये वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। मोशनल ईएमएफ में हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बीएलबी। अब जब ये वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है अर्शद, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, लेंथ दिया है, वेलोसिटी को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब इफ्रा, अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज करते तो हम हॉरिजॉन्टल सिर्फ ऐसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू एल इनटू। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैलकुलेट करने में आपको जरूरत पड़ जाती है इसकी 60 डिग्री की। आप ऐसे करते हैं, वी बाय एच इज टैन डेल्टा, डेल्टा 60 है, वर्टिकल दिया हुआ है, आप यहां से हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करो। इफ्रा, मैं यहां पर टोटल नहीं कैलकुलेट कर रहा, देखो हॉरिजॉन्टल होता है बी कॉस डेल्टा, मैं ये बी नहीं यूज कर रहा, और बी दिया भी नहीं है, वर्टिकल दिया है, वर्टिकल होता है बी साइन डेल्टा, ये दिया हुआ है, और मुझे इसकी जरूरत पड़ती तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर ये वाला रिलेशन यूज कर देता। बी की तो जरूरत ही नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ की तो जरूरत ही नहीं। चलिए कंप्लीट हुआ, फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हुई। एक चीज और है, जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं लाइक फेरोमैग्नेटिज्म मैंने छोड़ा है, वो सब सिलेबस से हट गया है। फिजूल में जो पार्ट सिलेबस में नहीं है उसमें टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास टाइम बचता है तो 11th का रिवाइज करिए, बेसिक मैकेनिक्स है उसको रिवाइज कीजिए, बहुत जरूरत है वहां मेहनत। बायो या मैथ्स पे टाइम दीजिए, लेकिन जो नहीं है सिलेबस में, जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। चलिए भाई, आज इसको यहीं छोड़ते हैं, मंडे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। सेकंड बुक का 50% पोर्शन कट चुका है, ये जो रह जाता है ध्यान दें।